डीजीपी पंजाब दफ्तर वालों सूबे के कमिश्नर जिला मुखिया आदेश जारी किए गए हैं, जिस विच बसां दे नंबर भी लिखे गए हैं। सीधे तौर पर दसा गया कि बरनाला भटिंडा और संगरूर डिपो की पीआरटीसी पेप्सू की कुछ बसा से जरनैल सिंह पिंडरांवाला गिरफ्तार सिंह हवारा की तस्वीर तो अलावा कुछ भड़काऊ शब्दों में लिखी गई है। डीजीपी ने जल्द तो जल्द सार्वजनिक सरकारी बसा तस्वीर के स्लोगन हटाने के आदेश दिए गए हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मैंबर गुरचरण सिंह गरेवाल वालों पुलिस विभाग के आदेशों की निंदा की गई है। खालिस्तानी स्लोगन लिखे जा रहे हैं, जिसको हालांकि काली स्याही के नाल मिलाया जाता है, लेकिन पंजाब को बहुत खराब करने की कोशिश लगातार जारी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिहड़ा हिंदुस्तान है, लोकतंत्री देश है, इत्थे वोटां नाल सरकारां जिहड़ियां चुणियां जांदियां। पिछले समय पंजाब दे अंदर एक विधानसभा की जो चोण हुई, उहदे विच एक तरफा एक बहुमत मिलिया आम आदमी पार्टी नूं, जिहदे विच कहा गया कि केजरीवाल नूं एक मौका दिता जाए। उस 92 MLA जित के आए, एक बहुत बड़ा जिहड़ा फतवा सी पंजाब दे लोकां ने दिता। भगवंत मान नूं उत्थों उहदा मुख्यमंत्री बनाया गया, ते 3 महीने दे समय दे अंदर अंदर ही बहुत सारियां ऐसियां गल्लां देखण विच आईयां जिहड़ियां ना बर्दाश्त करन योग ने। इसे समय के जोड़ा भाखड़ा जोड़ा मैनेजमेंट बोर्ड आ, वो जो साड़ी हिस्सेदारी जाती रही, इसे चंडीगढ़ जी साड़ी हिस्सेदारी सी वह साड़ी जाती रही, इसे जी पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब की एक शान होंगी सी वह भी साढ़े विचारों जाती रही। इसे असी ये गल कह रही है कि पंजाब के पंजाब के लो जे चुने हुए नुमाइंदों के जोड़े राज्यसभा जाने से उन्होंने भी कोई पंजाबी ना होया, जोड़ा कि पंजाब की गल तो करनी दूर की गल आजाबी पढ़नी भी नहीं आती सी। सो ये बहुत सारिया गल् ऐसा आई हैं। इस दौरान ही आ पिछले दिनों असी देखिया कि पंजाब के पानिया का जो मुद्दा आया तो ये जी सरकार आ उस गल ना खड़ी, सिर्फ बयानबाजी दे के रुक गई। तो अज असी देखते हैं कि जिहड़ियां नहर पक्या कर जोड़े 800 करोड़ रुपया जारी किया गया पंजाब के पानी खोण की गल है, आ एक होर नवा फरमान जारी हो गया। ये गल कित्थे जाके रुकेगी, सिख अपने आप नूं किवें बर्दाश्त करनगे इस पंजाब की धरती से जदों जबर होया तो जुल्म होया, जिन्हां लोगों ने उस जबर जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी वह सिखां दे नायक ने। श्री अकाल तख्त साहब वालों संत बाबा जरनैल सिंह खालसा पिंडरांवाला नूं वड्डा सन्मान दिता गया। अज गुरु रामदास जी के पावन पवित्र स्थान श्री दरबार साहब विखे नतमस्तक होना है, गुरु महाराज का ऊट आसरा लिया। तो साड़ी आम आदमी पार्टी की सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत वधिया वधिया काम कर रही है। तो अज दास इत्थे वोट आसरा लैन लिया ता जो असी जिहड़े काम कर रहे हैं उन्हां दे विच जिहड़ियां रवायती पार्टियां आपां तुसीं वी वेख्या विधानसभा दे विच सानूं 3 महीनों दे विच कहिंदे कि टाइम बाउंड करो कदों ये काम करोगी कदों ये काम, वेखो लम्मा समा ये रवायती पार्टियां सरकारां च रहियां ते इन्हां आप ते कुछ कीता नहीं। असी काम भी करांगे ते जिहड़ा पंजाब सिर इन्हां ने कर्जा चाढ़िया रवायती पार्टियां ने साडे मानयोग मुख्यमंत्री सरदार सरदार भगवंत सिंह मान जी बड़े सूझवान ते निधड़क जरनैल ने, वो पंजाब सिर जिहड़ा कर्जा चढ़िया वह भी लाउणगे ते पंजाब नूं मुड़ तों लीहां ते लैके आउणगे। जिन्नियां गरंटियां दित्तियां वो जिहड़ी फ्री बिजली 364 की माफ़ी वाली हरेक वर्ग नूं वह 1 तरीक तो लागू कर दी गई, इस तरह ही जिन्नियां दूजियां गरंटियां वो जो क्या वो जल्दी लागू किया जाएगा। तो साडे नैशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी सरदार भगवंत सिंह मान जी वो गल ही उन्नी क करते जिनी उन्हें पूरी कर देनी है। ये रवायती पार्टियां ये सुपने विखाते रहे लोगों को वादे करते रहे, पर जो सरकार बन जाएंगी लोगों की धौन से गोडा रख लेना, लुट्टन तो कुट्टन तो सिवा कुछ नहीं करना। तो परमात्मा की कृपा सच्चे पातशाह की चंगे काम कर रही है सरकार, तो लोग सरदार भगवंत सिंह मान की शलाघा भी कर रहे हैं।